कैंसर, जिसका नाम सुनते ही डर लगता है और इसकी पुष्टि होने के बाद इंसान यही सोचता है कि अब उसका जीवन समापन की ओर है। लेकिन यदि समय रहते कैंसर को पहचान लिया जाए तो मृत्यु की संभावनाओं पर विराम लगाया जा सकता है। वर्ल्ड कैंसर केयर सेंटर इस दिशा में निरंतर प्रयासों में जुटा हुआ है। नमस्कार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं एवन हरियाणा। एवन हरियाणा की टीम इस वक्त डेर गांव है, यहां पर हम लोग मौजूद हैं। यहां पर एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे में कैंप लगा हुआ है। बड़े अच्छे डॉक्टर यहां मौजूद हैं, पूरी फैसिलिटी, कहीं ना कहीं लैब, लेबोरेटरी भी साथ में इन गाड़ियों में, इन बसों में, ये तमाम चीज़ें हैं। आइए यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं, किस तरीके से टेस्ट करवाया जा रहा है और कैसे इस कैंप को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा जानकारी आप दें हमें कि किस तरीके से काम कर। ये एक्चुअल से है कुलवंत सिंह धालीवाल यूके तो, इनू सारी उन्होंने फाउंडेशन है, उन्होंने टीम है सारी ये। उन्होंने एक उपराला किया हुआ, जिदा आप लंगर लाने रोटी का, इन्होंने दवाइया का लंगर है, वो थोड़ा बेसिक जे आपके खर्चे जोगे ये पैसे लेंदे थोड़े तो, वो तो बाद थोड़े मेडिसिन देखे जाते हैं नॉर्मल, जिदा आप डॉक्टर दे जाने ओपीडी चैकअप, वो तो बाद जो डॉक्टर लग्या भी थोड़ा कोई सिमटम्स है कैंसर के, वो 8-10 इन्हों को मतलब इन्हों का एक जोड़ा पैम्फलेट बनया हुआ है, वो रिगार्डिंग पूछता है भी थोड़ा कोई उमें सिमटम्स है तो वो रिकमेंड करते हैं भी तुम वो एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, बस चार बसेस ने भी वो रिकमेंड करते वाली बस जाके आपका टैस्ट करवा लो, जिन्होंने टैस्ट की जरूरत है वो टैस्ट करवा लेंगे, जे डॉक्टर लगता है उन्होंने टैस्ट की जरूरत नहीं हैगी फिर उन्होंने मेडिसिन दे देंगे जी। तो यदि जी रिपोर्ट है जी बसिस के टैस्ट होंगे यदि रिपोर्ट 10 से 15 दिन तक ये प्रोवाइड करेंगे। सारे ने रल के उपराला करा जी, तो बहुत वधिया सानू संयोग मिले पिंड चो ही, सारा इकट्ठा करके असी यह उपराला करे जी। कई बार आप मान लो कोई बंद, हर एक बंदा टैस्ट इन्ने महंगे नहीं करा सकता, जिदा के कैंप लावे जी सारे संयोग नाल सब के इकट्ठे टैस्ट हो जाते हैं जी, तो जे कोई प्रॉब्लम आती है तो वह टाइम से सोल्यूशन हो जाता है जी। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्या नाम है जी आपका? अमरेंद्र सिंह। अमरेंद्र सिंह जी, ये जो कोशिश की गई है, ये जो सभी लोगों ने मिल के प्रयास किया है, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया उपराला है जी, जो साडा फतेहाबाद एरिया डिस्ट्रिक्ट है ये काला पीली आ, तो कैंसर वगैरह बहुत ज़्यादा है जी। ये जो उपराला है बहुत बढ़िया उपराला किया हुआ हमने। ये जो कोशिश आपके ढेर गांव में हुई है इसके लिए क्या कहें? इसका ऐसा जी, पिछले साल में 4-5 केस अपने कैंसर के हुए थे गांव में जी, जिसकी वजह से कमेटी बनी, कमेटी ने इसका उपराला किया, पंचायत से सहयोग मांगा, हाँ पंचायत ने भी साथ दिया जी। और भी जो भी गणमान्य लोग हैं, NRI वगैरह हैं, उन्होंने भी साथ दिया, सबका सहयोग मिलने के बाद तो हमने मीटिंग बैठाई, तो उस मीटिंग में हमने निर्णय लिया भी हम सारे गांव का टेस्ट करवाते हैं। क्या नाम है जी? गुरदीप सिंह है। गुरदीप सिंह जी, आपने कोई टेस्ट वगैरह करवाया? हाँ जी, हाँ जी, मैंने टेस्ट करवाए हैं सारे जी। मेरे को कुछ गले में दिक्कत सी लग रही थी कई दिन की, अच्छा। तो मैंने टेस्ट करवाया, बहुत अच्छा स्टाफ है, मतलब इतना बढ़िया डील किया इन्होंने, टेस्ट वाले जो लेडीज बहने हैं उन्होंने, तो डॉक्टर साहब हैं बड़ी अच्छी तरह, ऐसे नहीं भी जैसे 400 रुपये लगा के 500 रुपये लगे अपने इतने जाते हैं जी जी, तो इन्होंने बड़े गहन जांच की है, ये नहीं इतनी भी एक मिनट में टेस्ट कराओ जाके, टेस्ट की भी जिसकी ज़रूरत पड़े उसको करवाया जी जी। ये नहीं क्यों अगले के अगर टेस्ट हो गया दिमाग में कोई टेंशन ना पैदा हो जाए भी मेरा टेस्ट हो गया, बिल्कुल भी मेरे को तो कोई तकलीफ है, पूरी गहन जिसके ऊपर उनको पूरा थोड़ा डाउट हुआ तभी टेस्ट करवाया, इसलिए ये प्रयास बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा यही धर्म है, यही लंगर है, बिल्कुल बिल्कुल, किसी की जान बचाने से ऊपर उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, बिल्कुल। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, जाहिर तौर पर कैंसर का नाम सुनते ही आपके अंदर इतना ज़्यादा खौफ होता है, डर होता है कि आदमी का मनोबल टूट जाता है और वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ने लग जाता है। चलिए अंदर चलते हैं, कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, लोगों से और बातचीत करेंगे, उनका फीडबैक लेंगे कि ये जो सोसाइटी जिस तरीके से काम कर रही है वो किस तरीके से फ़ायदेमंद और लाभदायक लोगों के लिए साबित हो रहा है। वर्ल्ड कैंसर केयर सेंटर का प्रयास कैसा है इस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं दर्शाती हैं कि नवजीवन के लिए की जा रही ये कोशिश लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला रही है। अच्छा प्रयास है, क्योंकि कैंसर अब ज़्यादा बढ़ रहा है इंडिया में, तो अच्छा प्रयास चल रहा है, बहुत अच्छा अभियान है ये जी। और बहुत बड़ा उपराला है और मानवता की सेवा ये, अच्छा प्रयास है इनका, संस्था अच्छी है बहुत, पहले भी गुलरवाड़ा में भी लगे कैंप और ये डेर में भी, और ग्राम पंचायत का गांव का पूरा सहयोग है।
ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵਰਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਵੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਈ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੈਲਟ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਰੇ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 7-8 ਮਰੀਜ਼ ਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਚੱਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਉਰੀ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ 7-8 ਮੌਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜੋ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ ਨੇ ਟੀਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਪਰਾਲਾ ਕਰਿਆ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਟੋਹਾਨਾ ਕੇ ਗਾਂਵ ਢੇੜ ਮੇਂ ਲਗੇ ਚਿਕਿਤਸਾ ਕੈਂਪ ਕੋ ਲੇਕਰ ਲੋਕੋ ਮੇਂ ਕਾਫੀ ਉਤਸਾਹ ਦੇਖਨੇ ਕੋ ਮਿਲ ਰਹਾ ਹੈ ਸਭੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਵਿਭਾਗ ਕੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਓਂ ਕਾ ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ SMO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੋਹਾਣਾ CMO ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ CMO ਸਾਹਿਬ ਲਵੇ ਭੇਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਆਹ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 4 ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ HIV ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ तो इस कैंप में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं डॉक्टर धर्मेंद्र ढिल्लो साहब इस वक्त हमारे साथ हैं आइए उनसे जानकारी लेते हैं किस तरीके का रुझान लोगों में नज़र आ रहा है कैसे जांच हो रही है डॉक्टर साहब जी वर्ल्ड कैंसर की राज पहुंची है विलेज ढेर है ये जाखल के पास है हरियाणा का पिंड है और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली अब तक कोई 400 के करीब जो हम पेशेंट पहुँच चुके हैं वर्ल्ड कैंसर केयर एक संस्था है जो कैंसर के ऊपर काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं हम लोग हमारा मेन जो मोटिव होता है कि कैंसर के बारे में लोगों को अवेयर किया जाए उनको जागरूक किया जाए टेस्टिंग की जाए काफ़ी सारी मोबाइल बसें लेके आते हैं 4 मोबाइल बसें यहाँ पे लेके पहुँची हुई हैं मेमोग्राफी हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए प्रोस्टेट कैंसर के लिए PSA है सर्विस कैंसर के लिए टेस्टिंग है ब्लड कैंसर की टेस्टिंग है बोन है मुंह और गले की जांच है दवाइयाँ हैं शुगर है ब्लड प्रेशर है लिटरेचर देते हैं लेक्चर देते हैं लोगों को काउंसलिंग करते हैं 1-to-1 उनके प्रॉब्लम की सोल्यूशन ढूंढते हैं मेन जो मोटिव रहता है कि लोगों को अवेयर किया जाए क्योंकि कैंसर का ना अक्सर लेट पता चलता है तब पता चलता है जो टाइम निकल जाता है तो हमारा जो मोटिव रहता है कि जो प्रॉब्लम साल बाद आनी है उसको पहले ही डायग्नोज करके उसका ट्रीटमेंट करवाया जा सके तो इसी जो है मोटिव से जो वर्ल्ड कैंसर केयर पूरे इंडिया में मूव करती है हम लोग पूरे इंडिया में घूमते रहते हैं ऐसे मोबाइल कैंप है हमारे कंसेप्ट है हमारे और लगातार बढ़ते रहते हैं आगे सब ये भी बताएँ कि आखिर मौजूदा समय में इसके कारण क्या है कि एकदम से बहुत ज़्यादा पूरे इंडिया में क्यों बढ़ रहा है देखिए सबसे बड़ा कारण तो हम खुद ही हैं 70% तो हम खुद ही कारण हैं क्योंकि जो हमारा लिविंग स्टाइल है वो एक प्रॉपर अब वो नहीं रहा जो पहले था हमारा खान पीन जो है बहुत बड़ा जिम्मेवार है खाने का हमें ऑर्गेनिक नहीं है बिल्कुल हमारा एक तो ऑर्गेनिक नहीं है दूसरा खाने का तरीका भी सही नहीं है जो भी खा रहे हैं जल्दी जल्दी खा रहे हैं बाकी खा नहीं रहे हम लोग न्यूट्रिशन वैल्यू मिल नहीं रही पानी हम लोग बहुत कम पीते हैं जब तक हम अपना लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करेंगे उसको प्योर नहीं करेंगे तो हम लोग बीमारी की ओर बढ़ते जाएंगे तो आने वाला समय ऐसा आने वाला है कि हर घर में एक पेशेंट होने वाला है WHO की रिपोर्ट के मुताबिक और अगर हम नहीं सुधरे अगर हमने सुधार नहीं किया बीमारी को पहले नहीं पकड़ा कैंसर के बारे में जानकारी हासिल नहीं की बल्कि कैंसर ही नहीं एक नॉर्मल डिजीज़ जैसे ब्लड प्रेशर है डायबिटीज है बुखार है कैसे होता है हमारा विटामिन डी क्या है इनके बारे में जानकारी हासिल नहीं की तो हमारी आने वाली पीढ़ी जो है बर्बाद हो जाएगी तो हम बचाना बहुत ज़रूरी है हेल्थ एजुकेशन शुड बी मस्ट हर बंदे को पता होना चाहिए कि उसकी फैमिली में क्या क्या प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन क्या है और मैं दोबारा अपील करता हूँ कि नेचुरल वे से लाइफ जीना शुरू कर दो नहीं तो आपसे खर्चे मैनेज नहीं होंगे बहुत बड़े लैविश हॉस्पिटल खुल गए हैं 5-star हॉस्पिटल खुल गए हैं तो वो आपको पता है उनका खर्चा आप बेर नहीं कर पाओगे बहुत शुक्रिया डॉक्टर तो जाहिर तौर पर अवेयरनेस की बहुत कमी नज़र आती है डॉक्टर साहब का कहना करिए यदि आप तमाम पहलुओं पर ध्यान दें तो कहीं ना कहीं ये जो तेज़ी से बढ़ती हुई समस्या है इसे रोका भी जा सकता है इसका निदान भी संभव है डरने की और घबराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है यदि आप सही समय पर ट्रीटमेंट लेते हैं तो लगातार देख रही है A1 हरियाणा लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले